सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, प्रश्नावली 3.1 पर पहुंच गए थे। आर्यन की किताब हमारे पास है और आज हम देखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे किया जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका रहने वाला है। इसमें विलोपन विधि होती क्यों है भाई, एक क्वेश्चन से हम बात को समझते हैं। जैसे कि एक दे दिया है समीकरण 8x + 5y बराबर, ये प्रश्नावली 3.1 के पहले की पहले सवाल है। इसी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है, कि कैसे इसको हल किया जाता है। क्वेश्चन है 11 और दिया गया है x + y = 4। यहाँ पे दो समीकरण बेसिकली हमको दिए गए होंगे और दोनों समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप कर देना, यानी किसी एक चर राशि को गायब कर देना दोनों समीकरणों में से। तो कैसे किया जाएगा, आप यूँ पहले समझें, समझना आपको कैसे, शुरुआत आपको कैसे करनी है। शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि आपको गिनतियों को देखना है, चर राशियों को देखना है। यक्स के साथ उसका गुणांक जो है वो 8 है, यक्स के साथ उसका गुणांक 1 है, वाई के साथ उसका गुणांक यहाँ पर पहले समीकरण में 5 में, दूसरे में 1 है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 हो जाता, 8 हो जाता, हम कैसे भी कैसे करके यहाँ पर 8 ला देते, इस समीकरण में 8x है, इसमें भी 8x हो जाता है। और जब हम घटाते तो 8x कट जाता और हमारा यक्स जो चर राशि था वो गायब हो जाता। ऐसा काम कर सकते थे, या फिर हम 5y देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 5, अगर हम 5 ला सकते हैं कैसे, किसी भी तरीके से हम यहाँ पे 5 ला पाते तो 5y में 5y घट जाता और ख़त्म हो जाती बात। तो भाई बात यूँ होती है कि हमें दोनों चर राशियों को गायब नहीं करना है, केवल एक चर राशि को गायब करना है। कैसे भी कैसे करके कुछ जुगाड़ लगाइए, कुछ बिठाइए ताकि वो गायब हो जाए। तो इसमें जो जुगाड़ सबसे अच्छा चलता है वो ये होता है कि अगर हम जैसे कि मान लीजिए वाई को गायब करना है, तो वाई के साथ ऊपर वाले में 5 है, दूसरे वाले समीकरण में हमारे पास 5 नहीं, हमको 5 चाहिए ताकि 5 5 बराबर हो जाए, 5y 5y बराबर हो जाए। ऐसे में सभी में हम 5 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 5 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा और यह 5 × 20 हो जाएगा। और उसके बाद हम घटा देंगे। यहाँ पर हमको करना क्या है कि समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा और बराबर 5 × 20 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर अब 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों एक ही समीकरण, मतलब दोनों समान चीज़ें हैं, समीकरण हैं। अब हमने इसमें 5 से गुणा कर दिया, 5y 5y अब बराबर दिखाया जा रहा है पहले समीकरण के साथ में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 नहीं 3 को घटाने पर, जब घटाएंगे तब क्या होगा, पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, 5y = 11 है। समीकरण 3 लिखते हैं, 5x + 5y = 20 है। ये हो गया दोनों समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब जब घटाने की बात आती है, घटाना क्यों करना है, जोड़ते क्यों नहीं, जोड़ेंगे तो 5 5 10y हो जाएगा और 8 5 13y हो जाएगा। इसी वजह से हमको घटाना होता है ताकि, और घटाते हुए चिन्ह बदल जाता है, सभी आपको पता होना चाहिए, ये माइनस 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 हो जाएगा। 5y प्लस में 5y माइनस में अब कट जाएगा, इसी को काटने के लिए ही तो हमने यहाँ से यहाँ तक 4 लाइनों 3 लाइनों में इतनी मेहनत की है ताकि हम काट सकें। 8 में से 5y को x को घटाने पर 8x में 5x को घटाने पर 3x मिल जाएगा। 11 में से 20 को घटाएंगे, 11 में से 20 को घटाएंगे, 20 में से 11 कुल मिला के घटेगा, 11 प्लस में 20 माइनस में, 11 में से 20 घटा रहे हैं, 20 में 11 घटाएंगे 9 मिलेगा, हालांकि 20 बड़ा इसके आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। और x यहाँ पे देखिए भाई, ये गलती क्या होती है, शुरुआत में आप लोग गलती करते क्या हो कि भाई ये इसका जो आगे प्लस था आप उसको अभी भी प्लस ही देखते रहते हो, कहते हो कि सर ये प्लस में है, ये भी प्लस में तो है, जुड़ जाना चाहिए, 21 होना चाहिए, 31 हो जाना चाहिए। लेकिन भाई मेरे समझो, ये प्लस में है और ये प्लस में था, मतलब था, अब है नहीं, वो माइनस में बदल गया, घटाते हुए चिन्ह बदल दिया जाता है, तो ये बदल गया है। जब ये बदल चुका है तब क्या होगा सर, तब ये माइनस कंसिडर किया जाएगा, यानी माना जाएगा कि माइनस में है।
तो 11 में से 20 को घटाया जा रहा है कि 11 में से 20 तो घटेगा नहीं, हालांकि 20 में 11 घटेगा बचेगा ना, लेकिन 20 बड़ा इसके आगे प्लस था, अब माइनस है तो माइनस रहेगा। अभी क्या करो, यहाँ पे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, हो जाएगा माइनस 9/3, 3 × 9 और x बराबर का मिल जाएगा माइनस 3 मिल जाएगा भाई, समझो माइनस बचा रहेगा, 3 से काट दो 3 × 9, तो ये माइनस 3 मिल गया। ये हो गया अपना x की वैल्यू। विलोपन समझ में आया ना, विलोप करना मतलब किसी एक चर राशि को गायब कर देना, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप जोड़ सकते हैं दोनों समीकरणों को, या तो आप घटा सकते हैं दोनों समीकरणों को। घटाने और जोड़ने वक्त, घटाते वक्त चिन्ह बदल दिए जाते हैं और जोड़ते वक्त चिन्ह नहीं बदले जाते, सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। कब जोड़ा जाएगा सर, कब जोड़ा जाएगा भाई, ऐसी स्थिति में जब या तो ये प्लस ये माइनस, या फिर ये माइनस ये प्लस चिन्ह विपरीत हो, तब ऐसी स्थिति में हम उनके अंकों को बराबर करके जोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत आराम से हमको उत्तर मिल जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है, सभी गिनतियाँ प्लस में है, इसलिए घटाना मजबूरी थी। तो क्या सर उत्तर मिल चुका है अभी? नहीं, अभी तो केवल x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू भी निकालना बाकी है। तो y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम समीकरण 2 से कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटा समीकरण है जिसमें सबसे कम अंक दिए गए हैं, उसी का प्रयोग करेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी और बिना किसी मेहनत के उत्तर मिल जाए। y का मान तो हम क्या कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में x की जगह पे हम रख देते हैं -3, या -3 x की जगह रख दिया, प्लस y है बराबर 4 है, इसको उधर भेज दिया तो y बराबर हो जाएगा 4, -3 उधर जाने के बाद +3 हो जाता है और y बराबर 7 मिल जाएगा। तो समीकरण के हल जो है x बराबर -3 और y बराबर 7 प्राप्त हुआ है, ये आपका आंसर है। तो भाई आपको याद रखना है, समझना है कि इन प्रश्नों को ऐसे ही करना, ज़्यादा मेहनत वाली बात है ही नहीं, बहुत प्यार से करते हुए चले जाना है। विलोपन विधियाँ ऐसे ही लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि जोड़ घटाना गुणा भाग आपका परफेक्ट हो सके, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं। हालाँकि आप अगर मेहनत नहीं करते हो तो आपके लिए गलती हो सकती है। देखो दो तरीके से आप मेहनत नहीं करते, एक तो आपको सवाल नहीं आती है इसलिए सोचते हो कि क्या ही लगाएं, गलत हो ही जाएगा बार बार, तो ऐसा सोच के आप लगाओगे तो कभी सही भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि उनसे गलतियां हो जाएंगे, तो गलतियाँ होने से डरो मत, जो चीज़ें नहीं आती उनको छोड़ दो। आप पूरे अभ्यास पूरी प्रश्नावली का अगर प्रश्न लगाना शुरू करोगे अभी, तो उसमें से 10-20% की सवालें रहती हैं, 25 सवालें हैं, उसमें से 1-2 सवालें तो ऐसी होती है जो आसानी से आ जाती हैं, सभी को आ जाती है। तो उन सवालों पर फोकस करो, उनको हल करने की कोशिश करो, फिर उससे मिलते जुलते सवालों पर ध्यान दोगे तो आएगी ही आएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल तो हर एक जगह ही रहती है भैया। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, अगर मन से हार जाओगे तो भाई इन सवालों के जवाब आपको मिलने नहीं वाले हैं। अब मिलने भी नहीं वाले, मिलने की बात ही छोड़ दो, आप खुद ही नहीं करोगे मिलेंगे कहाँ से, तो आपके करने से ही कुछ होगा। यहाँ पे हर एक सवाल पे हम कोशिश करते हैं कि हर एक सवाल आपको बताएं, ठीक है, लेकिन होता यूँ है कि हर एक सवाल बताना बेवकूफ़ी है, सब एकदम बेफिजूल की बात, हालांकि बता देते हैं। आपको खुद करना आना चाहिए, जब तक आप खुद करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक तो नहीं आने वाला। खैर, पहले का जो दूसरा वाला पार्ट है वो वाला हम हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है 4x - 3y, 4x - 3y बराबर 8 दिया गया है, बराबर 8, और दिया गया है 6x - y, 6x - y बराबर 29/3 दिया गया है। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको भी विलोपन विधि से हल करना है, और ये 29/3 देखने के बाद सर डर लग रहा है, हाउ कैन आई डू दिस क्वेश्चन, कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको सब मज़े में लेने वाले हैं, आए देते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें बस जो मुख्य कार्य बताया था वो उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे 4x है,
यहाँ पे 3, 6x है, 4 और 6 को बराबर कैसे किया जा सकता है, बराबर कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान सा काम होता है। एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2 से काटा 2, 3, 2 से काटा 1, 3, 3 से काटा 1 और 1 ख़त्म, 3 दुनिया 6 दुनिया 12, 3 दुनिया 6 दुनिया 12, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। हम 4 और 6 को बराबर करना चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हम 12 बना सकते हैं। अगर समीकरण एक में 3 से गुणा करते हैं तो 3 चौके 12, 3 तरीके 9, 3 8 24, 4 कुछ होगा वो होगा, लेकिन 3 से गुणा करने पर ये 4 3 12 हो जाएगा, और 2 से गुणा करने पर इसमें 6 2 12 हो जाएगा, और 12 12 तब ये बराबर हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हम कर सकते हैं, ये हमने इसलिए बताया, ये हम करने वाले नहीं हैं, ये हमने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि 4 और 6 को हम बराबर कैसे कर सकते हैं। हम 4 और 6 को ऐसे बराबर कर सकते हैं कि इनका हम एलसीएम निकाल लें, ये रफ काम है, अभी हम इसको मिटा देंगे, ये रफ काम है। 12 एलसीएम मिल गया, 4 को बनाया जा सकता है 12, किसने गुणा करके, 3 से गुणा करके, तो सभी में 3 से गुणा करा देंगे। 6 को बनाया जा सकता है 12, किससे गुणा करके, 2 से गुणा करके, सभी में 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन अभी हम इसको नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी आसान चीज़ हमें बगल में दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है सर, ये वाई के साथ में दिखाई दे रही है भैया, यहाँ पे 3 वाई माइनस में है, यहाँ पे 1 वाई माइनस में है। अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 3 वाई बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। बस वही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये बटे वाला 3 क्या करे, कुछ मत करो, सो देखो ही मत, मतलब सवाल में हटा दे उसको। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हो भाई नहीं हटाना नहीं है, उसको देखना बंद करो। 3y यहाँ पे 1y, अगर इसमें 3 से गुणा कर देते हो तो 3y 3y बराबर हो जाएगा। बस सिंपल सा काम करना था, पहले वाला जो तरीका बताया इसमें हमको 3 से इसमें 2 से गुणा करना था, 2 बार गुणा करने की जरूरत पड़ रही थी, अभी केवल समीकरण 2 में गुणा करके काम हो जाएगा। तो जितना कम काम करना पड़े उतना सोचो। सर सबसे आसान काम है कि हम सवाल करें ही ना, बिल्कुल कम काम करना पड़ेगा। भाई बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सवाल करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। भैया पहला समीकरण दिखाई दे रहा है, दूसरा समीकरण दिखाई दे रहा है, हमने बताया कि अगर दूसरे समीकरण में आप 3 से गुणा कर दे तो 3y 3y बराबर हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे प्रयोग करते हैं समीकरण 2 में, 3 से गुणा करते हैं ताकि हमारा ये जो 3y 3y बराबर हो जाए। इसमें कर रहे हैं भैया, तो भैया 3 6 18 18x प्लस, सॉरी माइनस है 3y बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे। भैया देखो 29/3 ही गुणा कर रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा, बोलो 3 से 3 कट जाएगा। हाँ सर कट तो जाएगा भैया, 3 से इसमें गुणा किया 3 6 18, 3 से इसमें गुणा किया 3y, 29/3 था इसमें 3 से गुणा किया, 3 और 3 कट जाएगा, कट जाएगा तो हटा दो। तो क्या लिखें सर, 29 अकेले लिख दो, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। बट्टे वाली गिनती जो दिखाई दे रही है, जो इतनी तरह से डर लग रहा था, वो हट गया। मान लीजिए सर ना हटे तो, अगर नहीं हटेगा तो बटे में वो जैसा था वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तब घटाना कैसे होगा, भिन्न वाला घटाना, भूल गए हो क्या भाई। तो देखो जब वो स्थिति आएगी तो हम बताएंगे, फिलहाल आप समझो 3 से जब गुणा किया तो 3 6 18 हो गया, 3y हो गया, 3 से उसमें गुणा करने के बाद 3 3 कट गया, खत्म हो गई बात, गायब हो गया, खाली 29 बचा। अभी क्या करो, इस समीकरण और इस समीकरण को देखो, और इस समीकरण में समीकरण नंबर 3 में से 1 को घटा दो, या फिर 1 में से 3 को घटा दो। सर किस में से किसको घटाया जाए, कोई कंपलसरी बात होती है, कोई ज़रूरी बात नहीं होती, बस इतना से याद रखना कि आपको चिन्ह आपको सही से लगाना होता है। अब देख लो 18x है, 4x है, 18 में से 4 घट जाएगा, 3y में 3y घट ही जाएगा, 29 में 8 घट जाएगा। अगर समीकरण 3 में से 1 को घटाओगे, सर घटाएंगे क्यों, जोड़ क्यों नहीं सकते, क्योंकि 3y यहाँ में माइनस में, यहाँ पे भी 3y माइनस में, अगर जोड़ोगे 3 3 6y हो जाएगा, कट के गायब नहीं होगा। इसको हटाने के लिए घटाने का चिन्ह ही प्रयोग करना होगा। तो भैया यहां पे समीकरण 3 में 1 को घटाने पर, देखो भाई यहाँ पे सोचने वाली बात ऐसी भी हो सकती है कि सर ऐसे ऐसे कैसे कैसे, मतलब इतने जल्दी से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस है तो आप घटा क्यों देंगे। बट कोशिश करो, एक बार जोड़ करके चेक करो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको याद कुछ भी नहीं होगा।
बात समझ लेना, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कि क्या सर इसको घटाने पर ही जरूर उत्तर मिलेगा, जोड़ने पर नहीं मिल सकता, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको आंसर इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हमने भी यहाँ तक कि हर कोई जो भी मैथ में फॉरवर्ड हुआ, बहुत तेज़ चलना शुरू किया है, बहुत अच्छे से उसको मैथ आने लगी, उन सभी ने वो जो चीज़ें होती है ना, देखो एक चीज़ कहते हैं ना कि सब लोग ऐसा कहते थे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रखर, बहुत तेज़ बुद्धि के वाले होते हैं, और अपन तो बहुत ज़्यादा डल हैं, सवाल ही इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में सवाल ही नहीं आता है, इतने पूछे कैसे कि धरती गोल क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। भाई एक छोटी सी बात, मैं भी बहुत दिनों से यही सोचता था कि मैं कि इतने सवाल क्यों नहीं पूछता हूँ, बहुत ज़्यादा जीनियस क्यों नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर समझ में आया कि यार नॉर्मल ज़िंदगी में मैं सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों का हम मान लेते हैं कि ये ऐसे ही है। दूसरी बात, हम ऐसा लगभग काफ़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो और लोग नहीं जानते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब मैथमेटिक्स में सवाल ये आता है कि सर इसको जोड़ा क्यों जाए, घटाया क्यों जाए। आप सोचते हो कि सर इसमें कन्फ्यूज़न है, क्या है कि इसमें क्यों जोड़ा जाए, क्यों घटाया जाए। तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। एक बार को इसको जोड़ करके आप ट्राई कर लो, आपके मन में सवाल आया ना कि इसको जोड़ा ही क्यों जाए, घटाया क्यों जाए, हम कैसे पता करेंगे कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए। तो उसके लिए आपको उसमें खुद एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको बता तो दूंगा कि इसमें इसको जोड़ने पर -3 -y है, दोनों जोड़ करके -6 हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए खुद करने का प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खुद करने का प्रयास करो, ताकि वो चीज़ें पा सको जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं। आइए देखते हैं, इसमें से उसको घटाने की बात कर रहे थे। 18x - 3y = 29 दिया गया है, और ये है 4x - 3y = 8 दिया गया। घटाते वक्त चिन्ह बदल देना होता है। घटाते वक्त चिन्ह क्यों बदल देना होता है, क्यों बदल देना होता है, इसके लिए आपको ये घटाना आपको सीखना होगा, जो कि घटाना कक्षा 5 में मिल जाता है, जहाँ पे सिखाया जाता है कि 3 में से घटाया जाए -2 को तो कितना होगा, 3 में से -2 को घटाया जाए तो कितना होगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया होता है। कहा गया था माइनस माइनस को प्लस की दीजिए, 3 + 2 हो जाएगा और हो जाएगा 5। और जब यहाँ पे आपने सीखा होगा तभी यहाँ पे सिखाया गया होगा कि घटाते वक्त चिन्ह क्यों बदलते हैं। भैया आपने क्या किया, माइनस अंदर गुणा करा देते, चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया ना। वही काम यहाँ पे भी होता है कि अगर आप घटा रहे हैं किसी भी गिनती में, किसी भी गिनती को, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है। 18 में से 4 को घटाएंगे, हमको मिल जाएगा 14x, और 3y कट रहा है। 29 में 8 गया 21 मिल गया, इस 14 को उधर बटे में भेज देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अपने पास मिल जाएगा x = 21/14, 7 × 14 = 21, x = 3/2 मिल गया है। ठीक है, 3/2 मिल गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब इस समीकरण को, इस x की वैल्यू को किस में रख दें, चाहे जिसमें रख दीजिए, उत्तर दोनों स्थितियों में मिलने वाला है। कहते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 4x, x का मान रख देते हैं 3/2, -3y दिखाई दे रहा है, बराबर 8 दिखाई दे रहा है। 2 से 4 कट रहा है, 2 × 4 कट रहा है, काट दिया। सर नहीं कट रहा होता तो बटे में छोड़ देते, जैसा था वैसे ही रहने देते। अभी 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 - 3y = क्या दिखाई दे रहा है, 8। अब इसको कैसे करेंगे भाई, समझो यहाँ पे भी बहुत से लोगों के लिए दिक्कत होती है। ये 6 क्या है, प्लस में है, पहले 6 को उधर भेजेंगे, ये -3y = 8 रहेगा, ये उधर जाने के बाद -6 हो जाएगा। बहुत से लोग इस -3y को इसका माइनस से हटा देते हैं और मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं,
भाई मैं भी ऐसा छोड़ा करता था, लेकिन लिखना सीखो, क्योंकि माइनस तीन वाई हमेशा उसके आगे वाले चिन्ह को देखा जाता है, छः के आगे क्या है प्लस है, इसी वजह से वो जाके माइनस हुआ, तीन वाई के आगे क्या है माइनस है, इसलिए वो माइनस तीन वाई ही रहा। आठ में से छः गया कितना मिल गया दो, ये माइनस तीन वाई दिखाई दे रहा है, वाई बराबर क्या हो जाएगा दो बटे, ये दो ऊपर रह जाएगा तीन नीचे चला जाएगा, ये माइनस तीन हो जाएगा। सर यहाँ पे चिन्ह आपने क्यों नहीं बदला? आप कहते हैं कि प्लस उधर जाने के बाद माइनस, माइनस उधर जाने के प्लस, उसके साथ ही हम ये भी बताते हैं कि गुणा उधर जाने के बाद भाग और भाग गुणा उधर जाने के बाद गुणा हो जाता है। ऐसी स्थिति में तीन वाई, तीन वाई में देखो भाई जो तीन है वाई के साथ में गुणा कर रहा था ना कि घट रहा था, इस वजह से जब ये गुणा कर रहा था तो उधर जाके भाग करेगा और अपना माइनस साथ में लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा माइनस दो बटे तीन, आप इसको माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये रहा आपका मुख्य उत्तर, जो y का मान हो गया, x का मान तो आपको मिला ही था ये वाला, ये हो गया y का मान, ये हो गया आपका पूरा 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 उत्तर। उम्मीद है समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। ज़रूरी यही है कि आपको समझना आना चाहिए, आप समझ सके, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रेकॉर्ड करके उतार लीजिए। अब मिटाना शुरू करते हैं और इसके बाद तीसरे वाले पर प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पर विलोपन की नई कंडीशन दी गई है। कंडीशन में मतलब क्या है, इसमें बस एक एक समीकरण में किसी गिनती से गुणा करके काम चल जाता था। अब ऐसे भी समीकरण दिए जा सकते हैं जिसमें गिनतियाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, मतलब कि आपको खेल एक समीकरण में गुणा करके कोई उत्तर ही ना मिले, वो भी सवालें होती हैं। आइए देखते हैं, सवाल देखते हैं फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। भाई क्वेश्चन क्या है, पहले का तीसरा वाला पार्ट है, क्या कहा गया है कि तीन एक्स माइनस पाँच वाई बराबर चार, तीन एक्स माइनस पाँच वाई बराबर चार और नौ एक्स माइनस दो वाई माइनस सात बराबर जीरो, नौ एक्स माइनस दो वाई माइनस सात बराबर जीरो। हालांकि यह सवाल हमने सोचा कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर है बहुत आसान। कैसे आसान है सर? देखो भाई, पहला काम तो ये है, ये दूसरा समीकरण है, ये लिख लिया। अब देखो, ये पहले समीकरण में तीन एक्स दिखाई दे रहा है, तीन एक्स दिखाई दे रहा है, दूसरे समीकरण में नौ एक्स दिखाई दे रहा है। पहले समीकरण में अगर तीन से गुणा करेंगे, तीन तिरिक्का नौ, नौ नौ बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे पाँच वाई दिखाई दे रहा है, दो वाई दिखाई दे रहा है। इस पाँच और दो का लघुत्तम जो होता है वो होता है दस, अगर इसमें दो से गुणा करेंगे तो दस होगा, इसमें पाँच से गुणा करेंगे तब दस होगा। तो यहाँ पे दोनों समीकरण में गुणा होने की बात आ रही है, यहाँ पे केवल एक समीकरण में गुणा करके काम चला सकते हो, तो ये चल जाएगा। तो आपको इसमें वो जो हम बता रहे थे मिटाते वक्त कि दोनों समीकरणों में दो गुणा करा के किया जाता है, तो ऐसा भी काम किया मतलब हो सकता है। अब समझ चुके हो कि ये क्या कर सकते हो, कि पहला समीकरण में आप तीन से गुणा करके नौ एक्स, नौ एक्स को बराबर कर सकते हो, उसके बाद घटाना बड़े आराम से हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये पाँच वाई और दो वाई को बराबर करने की कोशिश कर ले जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काम किया जाता है। भाई यूँ देखो, बात समझो, है क्या कि यहाँ पे पाँच वाई है, यहाँ पे दो वाई है, पाँच और दो का लघुत्तम होता है दस, हमको बनाना है दस, इसमें दो से गुणा करेंगे तब दस होगा, इसमें पाँच से गुणा करेंगे तब दस होगा। तो इसमें हम दो से गुणा करते हैं, हम कहेंगे भैया समीकरण एक में दो से गुणा तथा समीकरण दो में पाँच से गुणा करने पर, ऐसा करेंगे, दो से इसमें गुणा कर रहे हैं, दो पंच से दस बनाना है, दो तिहाई छः एक्स और माइनस दो पंचे दस वाई और बराबर दो चौके आठ हो रहा है। इस आठ को हम सोच रहे हैं कि इधर ला दें या फिर इसी पे इस समीकरण में काम कर लेंगे, इस समीकरण नंबर तीन लिख दो, यहाँ पे बढ़ाते हैं, यहाँ पे पाँच से गुणा करना था, पाँच नौ पैंतालीस, पाँच नौ पैंतालीस एक्स माइनस पाँच दूनी दस वाई और माइनस पाँच सत्तः पैंतीस हो रहा है बराबर जीरो हो रहा है, जीरो में पाँच से गुणा करेंगे तो जीरो ही रहेगा। इस पैंतीस को उधर भेजने की बात हम सोच रहे हैं, पैंतालीस एक्स माइनस दस वाई बराबर पैंतीस, अब इसको समीकरण नंबर चार कह सकते हो। ऐसी स्थिति में
आप इसमें से इसको घटा सकते हो, बहुत आराम से घट जाएगा, 10y 10y कट भी जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 4 में 3 को घटाने पर घटा देते हैं क्या होगा। तो देखो 45x - 10y = 35 था ये, इसमें से इसको घटाना है तो 6x - 10y = 8 घटाते वक्त चिन्ह बदलना जरूरी है, बदल दिया, 10y कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे। 45 में से 6 को घटाने पर क्या मिल जाएगा भैया, ये हो जाएगा 39x। उधर के बाद 35 में से 8 को घटाना होगा, 35 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 7, 27 मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति अब आ चुकी है, अब x का मान निकालना है, x बराबर 27/39 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27/39, 3 से कट रहा है, 3 × 9 = 27, 13 × 39, x बराबर 9/13 आ गया, बस इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसका मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, कहते हैं कि x का मान किस में रखें भाई बताओ, समीकरण 1 में रख दो, रखने पर रख दो भैया, देख भैया दिखाई दे रहा है 3 × 9/13 हम रखते हैं 13, 9/13 हो गया, माइनस 5y = 4 है, और 13 से 3 कटेगा नहीं, नहीं तो हम काट देते, तो 3 को 9 में गुणा करो, 3 × 9 = 27, 27/13 = -5y है बराबर 4 है। अभी ऐसा करो कि इस 27/13 को उधर भेज दो, -5y ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, -27/13 दिखाई दे रहा है, और ये -5y ही रहने दो, 13 और 4 के साथ मतलब यहाँ पे 13 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा, 13 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा जो कि 13 हो जाएगा, 13 का 400 गुणा करेंगे, 13 × 26 = 52, 4 × 3 = 52, ये 12 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, माइनस 1 से इसमें गुणा करो, 27 घटाना करते हैं भैया, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2/13 दिखाई दे रहा है, और -5y दिखाई दे रहा है, -5y को नीचे भेज दो भैया, ठीक है नीचे भेज दो, आए तो रहा है, आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो y बराबर या फिर 5 से यही काट दो, 5×5 = 25, 5 मिल जाएगा, माइनस को इधर रख देना, -5/13 मिलेगा, ऐसा कर लो, 5 से काट दिया, 5×5 = 25, इस माइनस को इधर की ओर भेज दिया, माइनस 1 से दोनों तरफ गुणा कराएंगे, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और -5/13 मिल जाएगा, -5/13 मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको उत्तर, इधर मिल गया 9/13, एक और उत्तर ये मिला था, और ये -5/13 ये दूसरा उत्तर मिल गया था y का मान। तो समझ में आ गया ना, इस प्रश्न को ऐसे ही करना है, अब सही जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, चौथा वाला पार्ट, यहाँ पे बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है भाई, बात समझो, 0.4, 0.7 x के साथ में दिया है, 0.3, 0.2 y के साथ में दिया है, 1.7, 1.08 अचर राशि, तो अचर पद दिया गया है भाई, बात समझो, इस प्रश्न में करोगे कैसे इस समीकरण को हल करने के लिए, क्योंकि 7 दशमलव वाले गिनते, पहले दशमलव हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे डरना बंद करो, ठीक है, हो गया डरना बंद, खत्म बात, कुछ नहीं, 4 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, 4 और 7 को कैसे बैलेंस करोगे, 7 × 28 करके, 3x, 3y और 2y को बैलेंस किया जा सकता है, 3 × 2 = 6 बना करके, अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6 बन जाएगी, 0.6, इसमें 3 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे तो 3×2 = 6 हो जाएगा, और साथ ही हम y को क्यों गायब करना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, और ऐसी स्थिति में जब हम समीकरणों को जोड़ेंगे ना, अभी तक तो हर जगह घटाते आए हैं, चिन्ह बदलते आए हैं, अभी चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समीकरणों को जोड़ने वाले हैं। तो कैसे करोगे भाई, देखो सवाल में आपको सवाल शुरू करने से पहले यही चेक करना होता है कि हम किसको गायब करेंगे, तो ये गिनतियाँ दोनों प्लस में है, ये गिनतियाँ प्लस और माइनस दोनों, y वाला जो पद है प्लस और माइनस में है, तो हमको
जोड़ करके गायब करना है और इसी को गायब करना है। अब इसी को गायब करने के लिए भी ये तीन है और दो है, तीन और दो का जो एलसीएम होता है वो होता है छः। अगर हम ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे, दोनों लोग हो जाएंगे 6-6 के बराबर, और ऐसे स्थिति में जोड़ने का बहुत आसान काम हो जाएगा। तो भाई समझो, चलो शुरुआत करते हैं। इतना सारी चीज़ें सोचने के बाद इसमें 2 से गुणा करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण एक में किससे गुणा करना है, सोच लो, 2 से गुणा करना है, 2 × 3 = 6, 6 को बनाने के लिए 3 में 3 दुनिया 6 होता है तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 में 2 को बनाना है 6, 2 × 3 = 6 तो 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा, ठीक है भैया, 3 से गुणा करने पर, गुणा करके ख़त्म करना है, करते हैं भैया, इसमें 2 से गुणा करने हैं, 2 × 4 = 8x, 2 × 3 = 6y, 17 × 2 = 34, 3.4, इस समीकरण नंबर 3 कह दो। आज समझ में, बहुत आसान, इसमें करना है 3 से गुणा, 3 × 7 = 21, 2.1x प्लस 3 × 6 = -6y बराबर 3×8 = 24, 2.4, समीकरण नंबर 4। अब यहीं पर कहते हैं कि इससे गुणा करके इसको जोड़ने पर तो ये समीकरण बनाने की ज़रूरत न पड़ती। हम कहते हैं कि समीकरण एक में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, करके जोड़ने पर, अगर हम ऐसा लिख देते तो समीकरण 3 समीकरण 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या इसमें कोई गलती है? कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जब जोड़ रहे हो भैया तो चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वाला ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि वही सेम गिनती प्लस में है, वही गिनती माइनस में है। इनको जोड़ने की बात आ रही है, जोड़ते हैं, यक्स यक्स तो सेम यक्स रहेगा, 8 और 1 = 9 हो जाएगा, 2.0 = 2 हो जाएगा, इतना मिल गया। बराबर के उस पार चलते हैं, 4 × 4 = 8 हो रहा है, 3 × 2 = 5 हो रहा है, इतना मिल गया है। x बराबर हो जाएगा 55.8/2.9, एक अंक पे 0.1, एक अंक पे 0.1 हट जाएगा। 9 × 2 = 18, 29 × 2 = 58 होता है, 29 × 2 = 58, 2 बार जा रहा है, एक्स बराबर 2 आ गया, 9 × 2 = 18 हासिल है, 2 × 2 = 4 = 5 कट जा रहा है, 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है, 29 × 2 = 58 होता है, चाहे तो भाग करके देख लेना, खत्म हो जाएगी बात। ये वाला मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, किस में रखते हैं, समीकरण एक में रखते हैं, वही सबसे ज़्यादा प्यारा है। कहेंगे कि यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, इतना आसान था सर, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बिल्कुल बहुत आसान रहता ही है। 0.4 दिखाई दे रहा है, उसमें एक्स का मान रख दिया, एक्स का मान हमने 2 रखना था रख दिया, प्लस 0.3 दिखाई दे रहा है, वाई हो गया, और बराबर है 1.7, ये इसका गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8, 0.8 हो जाएगा, प्लस 0.3y है बराबर 1.7 है, क्या करेंगे अब, कुछ नहीं, 8 को उधर भेज देंगे, ये 0.3y जो वैसे ही रहेगा, ये 1.7 है, माइनस 0.8 हो जाएगा, घटाना, 7 में से 8 घटेंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 17 में से 8 गया, 9 बचेगा, 0.9 बचेगा, ये 0.3y ही रहेगा, और y बराबर हो जाएगा 0.9/0.3, एक अंक पे 0.9 हट जाएगा, 3 × 9 = 9 बचेगा, 3 × 9 = 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा समीकरण का हल। दूसरा वाला इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, तो कोई दिक्कत हो रही है इसमें? ज्यादातर संभावना ये रहती है कि हम दशमलव वाले सवाल देखने के बाद डर जाते हैं, बस इसी वजह से सवाल नहीं आती, क्योंकि हम करते ही नहीं, हम देखते बैठे रहते हैं। अब अगर आप पांचवें सवाल को देखेंगे तो वहां तो बटे के निशान दिखाई दे रहा है, फिर आप डर जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है, आइए देखते हैं इस पांचवें सवाल को कैसे करना है, कोई डरने वरने की बात नहीं है, कोई भी सवाल को हम डर देख करके डरें ना, बहुत आराम से इसे करते जाएं, सब सवालें बहुत प्यार से हो जाती हैं, वो बुरा नहीं मानती हैं। देखो भाई, पहले का पांचवा अलग क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि यक्स बटे 4 है प्लस वाई बटे 3 है बराबर माइनस 1/12 है, माइनस 1/12
लिख लेते हैं समीकरण नंबर एक। दूसरा है वो है यक्स बटे दो माइनस पाँच बटे चार वाई, यक्स बटे दो माइनस पाँच बटे चार वाई और बराबर दिया गया है कितने, सात बटे चार के। भाई ये समीकरण नंबर दो हो गया, कह दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, इसको कैसे किया जाए कि ये ख़त्म हो जाए। तो भाई देखो यहाँ पे है वाई बटे तीन, एक बटे तीन है, इसमें चार बटे पाँच, पाँच बटे चार है, इनको बराबर तो किया जा सकता है क्योंकि प्लस माइनस में दिया है, ज़्यादा जल्दी से हो जाता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस x बटे चार एक्स बटे दो को बराबर किया जाए। कैसे कर सकते हो भैया, देखो ये जो x बटे चार है, x बटे चार है, अगर इसमें दो से गुणा कर दो तो दो दुनिया चार से कट जाएगा, दो बचेगा और ये x बटे दो हो जाएगा। बोलो हाँ सर बहुत आसान है, x बटे दो के बराबर आने लगा ना। कैसे सोचा हमने, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें। एक्स बटे चार दिखाई दे रहा है, इसको चार को दो कैसे बनाया जा सकता है, दो कैसे बनाया जा सकता है, क्या दो से गुणा करके बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, दो को गुणा करेंगे आठ हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, दो से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नहीं ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर दो से गुणा करेंगे, दो और एक्स का गुणा, दो एक्स बनना चाहिए था, बटे चार होना चाहिए था, पर ये दो कहता है कि मैं तो इसको काट सकता हूँ, तो हमने काट दिया, कितना बचा एक्स बटे दो। तो हम समीकरण नंबर एक में अगर दो से गुणा कर देंगे तो एक्स बटे दो बराबर हो जाएगा, जो कि आसान बात है, जो कि आसान बात है, इसलिए वाई वाला हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो भी आसान होता लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे कि समीकरण एक में हम दो से गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर, अरे करने से होगा क्या, होगा बस इतना से कि ये एक्स बटे दो हो जाएगा, एक्स बटे दो हो जाएगा प्लस इसमें दो से गुणा करेंगे तो दो से ये तीन कटेगा नहीं, दो ऊपर आ जाएगा, दो वाई बटे तीन हो जाएगा बराबर, माइनस दिखाई दे रहा है, ये एक बटे बारह है, ये माइनस एक बटे बारह, इसमें दो से गुणा करेंगे दो छन बारह हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं या फिर हम छोड़े, अब इतना मेहनत कर रहे हैं तो चार गुणते दो ऐसा कर लेते हैं, दो से इसको काट लेते हैं, दो मिल जाएगा, एक्स बटे दो प्लस वाई, सॉरी दो वाई है, दो वाई बटे तीन बराबर माइनस एक बटे छः, इसको समीकरण नंबर तीन बना देते हैं। और ऐसी स्थिति में एक्स बटे दो बराबर होने लगे समीकरण दो और तीन में, और इनको अब जोड़ने पर काम नहीं बनेगा, जोड़ने पर बिल्कुल काम नहीं बनेगा, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, किसी में भी किसी को भी घटा दो, बस घटाने पर ही काम बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वहाँ पर चल के घटाते हैं और लिखते हैं कि समीकरण तीन में दो को घटाने पर, घटा देते हैं इसको, लिख लेते हैं x बटे दो है प्लस दो वाई बटे तीन है बराबर माइनस एक बटे छः, इसमें से इसको घटाया जा रहा है जो कि है x बटे दो माइनस पाँच बटे चार वाई बराबर चार बटे सात बटे चार। जब घटा रहे होते हैं तो चिन्ह बदलना ज़रूरी होता है, ये वाला कट गया क्योंकि उसी को बराबर कर रहा किया था हमने, ये दोनों गिनतियाँ प्लस में हो गई हैं और वाई वाई कॉमन हो रहा है, इसके साथ ही गिनतियाँ जुड़ जाएंगे, ये क्या है दो बटे तीन है प्लस हो जाएगा ये पाँच बटे चार है बराबर किस पर आते हैं, ये माइनस में ये भी माइनस में, दोनों लोग माइनस में हो चुके हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस एक बटे छः है, आप ऐसा कर सकते हो प्लस सात बटे चार कर सकते हो, चूँकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है इसलिए कोष्ठक के बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसा किया जा सकता है, इनको जोड़ना पड़ेगा तो y ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट जोड़ दें इधर की ओर जोड़ लें, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे तो इससे क्या होगा जगह बच जाएगी और हमारा अगला जो x का मान है वो जल्दी ही निकाल भी सकते हैं। तो रफ काम करते हैं, चार और तीन का लघुत्तम, चार तीन बारह होता है, चार से गुणा करेंगे चार दो नहीं आठ, तीन पचे पंद्रह, पंद्रह आठ कितना होता है आठ पान तेईस, यहाँ पे तेईस बटे बारह मिल रहा है तो ये हो गया तेईस बटे बारह वाई बराबर, ये माइनस तो रह गए चार और छः का लघुत्तम, चार छंग चौबीस होगा या फिर हम बारह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बारह, चार और छः का लघुत्तम बारह हो जाएगा, एक बटे छः है प्लस सात बटे चार है, चार और छः का लघुत्तम बारह हो जाएगा, छः तो नहीं है बारह तो ऊपर दो आ जाएगा,
चार तीन 12 तो ऊपर 300 गुणा 7 21 होगा, 21 दुई हो जाएगा 23 बटे 12 दिखाई दे रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, फिर से 23 मिल गया। अब 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 23 से 23 कैंसिल हो रहा है, y बराबर सीधे सीधे माइनस बचा हुआ है, माइनस एक हम लिखेंगे क्योंकि सब कुछ कट चुका है। जल्दी से काट दिया यहाँ पे, बट उलट के 12 को ऊपर 23 को नीचे पक्षांतर नहीं किया हमने, कहा ऐसे ही काट के ख़त्म कर दो, ये कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, माइनस एक बचा। इस y के वैल्यू को आप कहीं पे भी रख दो तो भैया कह देंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो, x बटे 4 है प्लस वाई, वाई का मान माइनस एक रखो बटे 3 बराबर माइनस एक बटे 12। इस अब देखो भैया ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स बटे 4 बराबर हो जाएगा, ये माइनस एक बटे 12 तो था ही, ये उधर जाने के बाद प्लस एक बटे 3 हो जाएगा, और तीन और 12 है इनका लघुत्तम हो जाएगा अपना 12, तीन और 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, 12 का नंबर 12 तो ऊपर एक से गुणा माइनस एक रहेगा, प्लस तीन चौके 12, तीन चौके 12 तो ऊपर 4 से गुणा 4 का नम 4 हो जाएगा, ये x बटे 4 हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें 4 में से एक घट रहा है तो x बटे 4 ऐसे रखो बराबर रखो, 4 में से एक घट गया 3 बटे 12 कहो, 4 से इसको काटना चाहो 4 तीन 12 कह सकते हो, 3 से एक कट जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, x बराबर क्या कह सकते हो, अच्छा सर मुश्किल हो गया ये तो, ठीक है आसान कर लेते हैं, x बटे 4 छापोगे, हाँ छाप लिया, छाप लिया, 4 में से एक गया 3 बचेगा, बच गया बटे 12 है लिख लिया, 4 3 चौके 12 कह सकते हो, हाँ कह सकते हैं, ये 4 ऊपर जाएगा, यक्स बराबर 4 ऊपर जाएगा, ये बटे वाला 4 ऐसे रहेगा, 4 से 4 काट दोगे, यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये आंसर हो गया। वाई बराबर माइनस एक, यक्स बराबर प्लस एक, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, इन दोनों समीकरणों का हल हो गया है। तो देखा भाई बटे के निशान कितना भी भयंकर हो पर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग आना ही चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए, बाकी प्रक्रियाएं वही रहती हैं, प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है, सभी बहुत प्यार से आराम से चलते जाते हैं, लगातार चलते जाते हैं, कोई कहीं नहीं रुकता है, बस आप ही रुक जाते हो, किस वजह, डर की वजह से कि सर ये भिन्न वाला जो आ जाता है इसका हम कैसे करेंगे मुकाबला, तो डरना बंद करो, अपने हथियारों को मजबूत करो, जितना हथियार मजबूत रहेंगे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, हथियार मजबूत रहेंगे यानी आपके सोचना है ये जो समझने की क्षमता है सवालों को, यह भी आपका हथियार ही है, आपको जोड़ घटाना ये आपके हथियार हैं, अगर इनका प्रयोग सही से करना नहीं आता है इसी वजह से दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपने फ्री फायर में कार 98 तो चला ही होगा, है कभी ट्राई किया, लॉन्ग रेंज भी मारते खतरनाक, लेकिन जब तक उस देखो वो तो बंदूक सबसे खतरनाक है, AWM ले लो भाई खतरनाक बंदूक है, लेकिन चलाओगे चलाना आता रहेगा, सही से उसको चला पाओगे तब तो वो खतरनाक होगी सामने के लिए, नहीं तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी, आप उसको चला ही नहीं पाओगे, सामने वाला आंखें मार के ख़त्म कर देगा। तो भाई प्रश्नों में भी वही बात होती है, आपको बस उसको मतलब जो कुछ होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जितने चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कोई भी चीज़ पल्ले ना पड़े तो उसको समझने की कोशिश करो कि हो क्यों नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीके से बात बता सकूं, लेकिन आपको पूछना होगा कि ये क्यों हो रहा है, कमेंट करके बताओ कि ये क्यों हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताने की कोशिश करो, अगर आप पूछ पाते हो सवाल तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पर सीधे सीधे बोल करके सवाल पूछो, अगर नहीं समझ में आता है तो जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ाते हुए हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आगे के जो प्रश्न हैं वो कैसे किए जाएँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।